श्री राम और माता सीता के दर्शन जीवन के संताप हर लेते हैं। राक्षस राज रावण का वध कर अवधपुरी वापस आए प्रभु श्री राम और माता जानकी जी। उसके बाद श्री रामलीला मैदान में श्री राम और माता सीता दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए, जहां प्रभु का राज्याभिषेक गुरु वशिष्ठ जी ने किया, तो वहीं ठीक वैसे ही यहां पहुंचे राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी ने श्री राम का राज्य तिलक कर श्री रामलीला को अमरत्व प्रदान कर दिया। रामलीला का मंच जय सिया राममय हो गया। हर कोई इस दिव्य छटा और पल को अपलक निहारता रहा। उसके बाद प्रभु श्री राम और माता जानकी की चिन्मयानंद बापूजी, श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, महामंत्री राजीव अग्रवाल के साथ समस्त गणमान्य लोगों ने आरती की और आशीर्वाद प्राप्त किया। मंच पर चारों स्वरूपों के दर्शन अमृत तुल्य रहे। प्रभु श्री राम का अद्भुत श्रृंगार और झांकी को देखते नयन थकित हो गए। मंच पर श्री रामलीला कमेटी ने संत चिन्मयानंद बापू जी का माला, दुपट्टा और प्रभु श्री राम की अद्भुत तस्वीर भेंट कर स्वागत सम्मान किया, जहां उन्होंने इस अद्भुत पल और कमेटी की सराहना की। अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने इस भव्य आयोजन की सफलता के लिए सभी का आभार प्रकट किया। अवधपुरी बने रामलीला मैदान में पहुंचे शहरवासियों ने सिया राम जी का आशीर्वाद लिया। आगरा की ये ऐतिहासिक रामलीला जीवंत हो उठी। वहीं मंच की दूसरी ओर सजे सांस्कृतिक आयोजन का दीप प्रज्वलित कर चिन्मयानंद बापू जी ने श्री गणेश किया और श्री गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। एक के बाद एक धार्मिक प्रस्तुतियों ने लोगों को अचंभित कर दिया। प्रभु श्री राम दरबार की ये भव्य झांकी। प्रभु
खुश करने के लिए ही मैंने अपने शरीर पर सिंदूर लगाया है। आप प्रसन्न है ना? तुम्हारी मैया सीता ने तुम्हें क्या बताया है? मैया ने कहा कि उनकी मांग में सिंदूर लगा देगा प्रसन्न होते हैं और आपकी आयु भी बढ़ती है। तो मैंने सोचा कि सिंदूर की पतली रेखा से आप इतने अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी आयु भी बढ़ती है, तो पूरे शरीर पर सिंदूर मल लेने से आप कितने अधिक प्रसन्न होंगे और आपकी आयु और भी अधिक बढ़ जाएगी। इसी कारण घी में घोलकर सिंदूर मैंने अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। हनुमान, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, शिरोमणि हो। तुमने भक्ति और सेवा के नए मानदंड स्थापित किए हैं। विश्व में जब भी कहीं भक्ति की बात चलेगी तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। वीर हनुमान जी के अद्भुत विकराल रूप। मुरली मनोहर श्री राधा कृष्ण और गोपियों का महारास। मैं ही चल हूँ अचल हूँ, मैं ही सत्य हूँ असत्य हूँ, मैं ही पाप हूँ मैं ही पुण्य हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में होने वाली गतिविधियों का कालचक्र मुझे ही समाहित है। मेरे होते हुए मेरी संतानों को किसी भी प्रकार की चिंता करना व्यर्थ है। माता के नौ रूपों की भव्य और दिव्य झांकी और उसकी प्रस्तुति। शमशान काली का काली भद्र काली कपाली गुहे काली महाकाली पुण्य विरोधी भगवान शंकर की झांकी। इस पूरे आयोजन को अपलक निहारते दर्शकों ने श्री राम लीला और सांस्कृतिक कार्यक्रम का जीवन लाभ लिया। राम।